next left onto Bandra Kurla Complex Road. Entrance escalator or canopy? और तीसरा ये इस तरफ ये लिफ्ट नमस्कार वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया ट्रैवल व्यू। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ हाईवे पे वाकोला पोली चौकी बस स्टॉप पर। चलिए देखते हैं मेट्रो 3 के सांता क्रूज और बीकेसी स्टेशन का वर्क और मेट्रो 3 का अपडेट। चलिए दोस्तों मेट्रो लाइन 3 का काम अपने फाइनल टेस्टिंग फेज में पहुंच रहा है। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए अब मुंबईकर्स को ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। पिछले कई महीनों से एक्वा लाइन का ट्रायल लाइन चल रहा था जो अब पूरा हो चुका है और मुंबई मेट्रो 3 का फेज़ 1 का फाइनल ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। पॉसिबली नेक्स्ट वीक इसका फाइनल ट्रायल होने वाला होगा और प्रोबेबली जुलाई एंड या मिडल ऑफ अगस्त में फेज़ 1 को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिससे मुंबई कर को ट्रैफिक से बहुत राहत होने की उम्मीद है। इस तरफ है राइट में सांता क्रूज ईस्ट रेलवे स्टेशन और सामने ही है ये अंडरग्राउंड मेट्रो 3 के एंट्रेंस की कैनोपी सांता क्रूज स्काई वॉक से कनेक्टेड, और ये इस तरफ स्काई वॉक से कनेक्टेड वाकोला ब्रिज और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड। ये स्काई वॉक और स्काई वॉक से यहाँ उतर कर आप जा सकते हो मेट्रो 3 स्टेशन में। यह नॉर्थ ईस्ट साइड की कैनोपी जिसमें एस्केलेटर और स्टेयरकेस होंगे और ये सामने है ये एलिवेटर। दोस्तों ये सिग्नल के ठीक सामने ये है नॉर्थ ईस्ट एंड की एंट्री और एग्जिट कैनोपी जिसमें एस्केलेटर और स्टेयरकेस होंगे और ये वाकोला ब्रिज और सांता क्रूज स्काई वॉक दोनों से ही कनेक्ट होगी और ये सामने एलिवेटर भी है। ये नॉर्थ ईस्ट एंड की लिफ्ट। दोस्तों ये जो आप खाली एरिया देख रहे हैं फ्यूचर में यहाँ पे ग्रीनरी और ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा और साथ ही फुटपाथ तो होगा ही। यह लाइन 3 के साउथ ईस्ट एंड का एंट्री और एग्जिट एलिवेटर और ये आगे है कैनोपी जिसमें एस्केलेटर और स्टेयरकेस होंगे। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो इसका काम जस्ट स्टार्ट हुआ था और ये लगभग अब रेडी है। और ये देखिए चलिए अब चलते हैं अपोजिट साइड में। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यह है अंडर कंस्ट्रक्शन एलिवेटेड SCLR यानी सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड फ्लाईओवर। इसका काम भी फुल स्विंग में चल रहा है
और इसके आगे ही है आपको यहाँ पे थर्ड कैनोपी देखने को मिलेगी। और ये इस तरफ है मेट्रो 3 का थर्ड एंट्रेंस, साउथ वेस्ट साइड का ये कैनोपी और ये लिफ्ट। तो दोस्तों आपको दो कैनोपी मैंने दिखाया, उस तरफ है दो और तीसरा ये इस तरफ, ये लिफ्ट और ये बड़ी सी ये एंट्रेंस। ये अभी काम चल रहा है और ये मॉनसून की वजह से इसे कवर करके रखा हुआ है ये लिफ्ट। चलिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और ये रहा है एंट्रेंस, एस्केलेटर और कैनोपी। और ये है फोर्थ एंट्रेंस की लिफ्ट नॉर्थ वेस्ट साइड की, और आगे ही है कैनोपी विद एस्केलेटर एंड स्टेयरकेस। तो दोस्तों ये फोर्थ लिफ्ट इस तरफ है और रोड की इस साइड में ये कैनोपी यानी एस्केलेटर और स्टेयरकेस इसमें होंगे, इसको भी कवर करके रखा है। चलिए ज़रा नज़दीक से देखते हैं जाके। तो दोस्तों ये था सेंटा क्रूज मेट्रो 3 का अपडेट। इसके इस तरफ ये है CSMI डोमेस्टिक मेट्रो स्टेशन और आगे इस तरफ विद्यानगरी फिर BKC जहां अभी हम चलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं फेज 1 में RA to BKC के रूट में 8 कोचेस वाली 9 रेक्स दौड़ेंगी। इसके अलावा BKC से वर्ली में आचार यात्री चौक में 9.60 किलोमीटर का काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों लगभग 37,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 3 फेज में है। फर्स्ट फेज में RA to BKC, सेकंड फेज में BKC to वर्ली और थर्ड फेज में वर्ली to कपरेड। फेज 1 SIPS to BKC में टोटल 8 स्टेशन होंगे प्लस 1 RA भी होगा, और फेज 2 में धारावी to वर्ली में 6 स्टेशन होंगे। मुंबई मेट्रो लाइन 3 में टोटल 27 स्टेशन होंगे जिसमें 26 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे और एक एड ग्रेड स्टेशन RA होगा। BKC के आगे नेक्स्ट स्टेशन होगा धारावी जो कि फेज 2 का पार्ट है। BKC और धारावी स्टेशन के बीच में मिठी रिवर के नीचे एक 170 मीटर लॉन्ग अंडर वाटर टनल भी होगी जो कि मिठी रिवर के नीचे से लगभग 15 से 20 मीटर नीचे से जाएगी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं BKC और ये आप जो काम देख रहे हैं ये BKC मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है।
दोस्तों आपको बता दूं, बीकेसी मेट्रो स्टेशन लगभग 500 मीटर लॉन्ग होगा और 32 मीटर वाइड होगा, जिसमें दो अंडरग्राउंड फ्लोर्स होंगे। और आपको बता दूं, एक बार ये बीकेसी मेट्रो स्टेशन पूरा हो जाने के बाद ये एशिया का लार्जेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा। दोस्तों ये मेट्रो लाइन 6 कमर्शियल हब्स सीव्स, MIDC, BKC, फोर्ट, नरीमन पॉइंट एट्सेट्रा और 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 13 हॉस्पिटल्स, 14 रिलीजियस प्लेसेस और 30 रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट होगा। एनहेंस कनेक्टिविटी और बेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए कोशिश की जा रही है कि मेट्रो 3 और मुंबई के एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को सीमलेसली इंटीग्रेटेड किया जा सके। कुछ जगहों पर यह मोनो रेल, सबर्बन रेल और ST बस सर्विसेज से भी इंटीग्रेट होगी। दोस्तों आरए टू कफपरेट लगभग 33.5 किलोमीटर लॉन्ग ये मेट्रो 3 रूट पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद पूरा सफ़र एक घंटे में पूरा होने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में मुंबई की पूरी तस्वीर बदल देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।